तो पढ़ाई दवाई कमाई इन तीन चीजों के लिए बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। हम वचन दे रहे हैं बिहार के लोगों को कि आप मौका दीजिए तो हम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अब राजनीतिक दल जनता के बीच में अपने दावे और वादे लेकर जनता के बीच में उतर रही है ताकि वो किसी भी तरह जनता को अपने तरफ आकर्षित करे। इस बीच रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना मैनोफेस्टो जारी कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना मैनोफेस्टो जारी करते हुए कहा है कि वो बिहार में नौजवानों को रोजगार देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, इसके बाद भी बिहार में कोई भी ऐसा विकास का कार्य नहीं देखने को मिला, बस बातें होती रहीं। विशेष क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, आप भी सुनिए। पटना का तो इतिहास है, पाटलिपुत्र जब नाम था उस वक्त पूरी दुनिया में यहाँ से रोशनी जाती थी। पाटलिपुत्र कहने से हर आदमी को प्राइड फील होता है, क्योंकि जब हम पाटलिपुत्र कहते हैं तो उसी समय की याद करते हैं जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि विश्व गुरु हिंदुस्तान को बनाना है। जब जिस वक्त विश्व में सबसे मतलब स्वर्णिम समय था देश के लिए, बिहार के लिए नहीं देश के लिए, उस वक्त आपका नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम शिला विश्वविद्यालय, जहाँ दुनिया भर के लोग आते थे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने, आज तो यहाँ कुछ नहीं। तो हम उसी गौरव को लौटाना चाहते हैं और उसके लिए एक प्राइड का फीलिंग होता है जब हम पाटलिपुत्र बोलते हैं, तो इसलिए पटना का नाम पाटलिपुत्र करना जरूरी है। सरकार में आएंगे तो पढ़ाई दवाई कमाई इन तीन चीज़ों के लिए बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो आज तो 6-7 साल से प्रधानमंत्री भी हैं और बिहार में तो लगभग 15 साल से उनकी सरकार भी है, लेकिन यहाँ के लोगों को न पढ़ाई मिली, न दवाई मिली, न कमाई मिली। इसलिए उनका सिर्फ वादा था, सिर्फ कागज पर लिखकर या बोलकर उन्होंने कहा, किया कुछ नहीं। हम वचन दे रहे हैं बिहार के लोगों को कि आप मौका दीजिए तो हम करें। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में अगर उनकी सरकार आती है तो वो बिहार में नौजवानों को रोजगार, अच्छी शिक्षा, साथ ही साथ वो बिहार को विकास की राह पर ले जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।